हो गए ओम अज्ञानते मिरामधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यैस्तदलित मिधराय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः वांछाकल्पदरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाई तुलसीदेव्यै प्रियाई केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवतये नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बलहरि कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकाल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सनातन गोस्वामी का दिव्य चरित्र को श्रवण कर रहे थे। जब श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास में आए तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु से प्रश्न करते हैं, बोले के आमी के नमरे जारे तापत्रे इहा नाही जानी कैचे मोर। महाप्रभु को सनातन गोस्वामी दो प्रश्न किया है। पहला प्रश्न है मैं कौन हूँ, और दूसरी प्रश्न है जगत में कोई भी भगवान से दुख नहीं चाहते, लेकिन दुख नहीं चाहने पर भी ये बिना बुलाए बिना निमंत्रण के ये दुख कष्ट क्यों आता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी, सर्वप्रथम क्या सनातन गोस्वामी को पता नहीं था मैं सनातन हूँ? फिर उन्होंने प्रश्न क्यों किया? कहते हम लोगों के लिए उन्होंने प्रश्न करते हैं, इसलिए पहला चीज ये सबसे पहले पता चलनी चाहिए मैं कौन हूँ। अगर ये चीज हमें पता नहीं चलेगा ना, फिर तो जो कुछ करेंगे सब गलत करेंगे। जैसे हम पढ़ाई लिखाई करके किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं, पहले वो क्या पूछेंगे, भैया तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन, तुमने सीए किए ना, तुमने इंजीनियरिंग की ना तुम्हारी डॉक्टरेट की। फिर जैसे हमारी क्वालिफिकेशन होगा वो वैसे हमें नौकरी पर हमें वैसे मिलेगा। अगर हम इंजीनियरिंग किया, अगर मेरे को हमको कोई है कोई डॉक्टरेट का काम दे देगा, हम क्या कर पाएंगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओ। क्यों? तुमने जो किया इंजीनियरिंग डॉक्टरेट मिली पढ़ाई नहीं। इसलिए सर्वप्रथम हमें पता चलनी चाहिए मैं कौन हूँ। अगर ये चीज अगर हमारी सही नहीं हो ना ये चीज, फिर तो उसको बाद में हम जो कुछ करेंगे सब के सब गलती करेंगे, कोई सही नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हम लोग क्या समझ बैठे हैं, हम ये शरीरी हम हैं, हैं? इसलिए देह संबंधी शरीर हम और देह संबंधी वस्तु सब हमारी है। ये शरीर मैं हूँ और देह संबंधी वस्तु सब कैसा मेरा है, हम यही भाव लेकर के हम बैठे हुए हैं। इसलिए जब तक हम सही सही अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जो कुछ करेंगे सब के सब गलत होगा। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया मैं कौन हूँ। इसलिए यहाँ पर बताए वेद शास्त्र का ये संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्ति संबंध भक्ति प्रयोर साधन। यहाँ पर समस्त जितने ग्रंथ है सारे ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमें तीन चीज मिलेगा, भगवान से हमारे संबंध क्या है, हमें क्या करना क्या है, और हमें
हमारी लक्ष्य क्या है, जितने सारे शास्त्र में संबंध अभिधेय है और प्रयोजन, यही तीन तत्व मिलेगा, चौथा तत्व कोई जीवन में नहीं मिलेगा है। अच्छे बंद कर। इसलिए संबंध तत्व पहले तो हो, भगवान से हमारे क्या संबंध है। जब उन्होंने प्रश्न की तब महाप्रभु ने इसका उत्तर दिया, बोले जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, कहते हम तत्वतः कौन हो कौन है, कहते जीव का जो असली स्वरूप है हम भगवान कृष्ण का नित्य ही दास है। अगर हम भगवान का नित्य दास है फिर हमें क्या करनी चाहिए, भगवान की दासत्व करनी चाहिए, माया का दासत्व नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान के दास है, हैं? इसलिए भगवान की सेवा करनी चाहिए। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उसके बाद में कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कहते हमारी सृष्टि कहाँ से हुई, कहते हमारी तटस्थ शक्ति से ही हमारी सृष्टि हुआ है, हैं? तटस्थ शक्ति से ही, इसलिए भेदा भेद प्रकाश, इसलिए भेदा भेद कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार आदि दो। हमारी जो सृष्टि है एक उदाहरण देकर बताए, जैसे कि नदी हो, इस तरफ में स्थल उस तरफ में जल, और जो बीच ना इसको कहते तट है, कहते हम यही सही हम लोगों ने हमारी सृष्टि हुई है। जब सृष्टि हुई एक तरफ माया की जगत और एक तरफ में भगवान की जगत है, इसलिए गुरुदेव मथुरा में एक सुंदर उन्होंने बड़ी सुंदर चित्रकारी उन्होंने किया है, चित्र दिखाया वहाँ पर, दिखाया जो माया की जगत है ना एकदम दिखा रहे हैं पूरा अंधकार, उस तरफ में भूत पिशाच हिंस जंतु उस तरफ में, और उस तरफ में एक माया खड़ी हुई है, और दूसरे तरफ में दिखाया पूरा प्रकाश प्रकाश है, हैं? और उधर एक साधु खड़ा हुआ, और उसका जो लाइन है ना वो सीधा भगवान के पास में गया दिखाया, और एक तरफ में एक साधु और बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, हैं? बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, खड़ा होकर के एक तरफ में माया बुला रही है और एक तरफ में साधु बुला रहा है, माया कहते देख मैं कितने सुंदर हूँ मेरे तरफ तू आ जा, हैं? लेकिन साधु कहता है देख उधर देख रहे उधर जाओगे तो सीधा अंधकार में जाओगे, और भूत पिशाच हिंस वहां पर जंतु खड़े हुए शेर चीता खड़े हुए सीधा नोच करके खा लेंगे। इधर जो साधु खड़ा हुआ बोले देख बेटा इधर प्रकाश प्रकाश है, अगर तू इधर आओगे प्रभु की तरफ में वो सीधा ठाकुर जी को पास में जाओगे। अभी वो जो बीच में जो खड़ा हुआ व्यक्ति कभी माया की तरफ में देखता है और कभी भगवान की तरफ, कभी माया की तरफ में कभी भगवान की तरफ, हैं? भगवान की तरफ में। लेकिन बहुत जो कम जीव है ना जो कि भगवान की तरफ में झुकते हैं, लेकिन ज्यादा करके जो जीव है वो माया में ही छलांग लगाते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग ने भगवान को देख करके भक्तों को देख करके जो भक्त बुला रहे थे प्रकाश प्रकाश हम उधर गए, हम किधर गए जिधर माया खड़ी है ना, हम माया में ही छलांग लगाए, जब माया में छलांग लगाए इतने में वो माया ने किया कि हमें दो पोशाक पहना दिया, क्या पोशाक पहना दिया, कहते हैं एक तो एक तो सूक्ष्म शरीर और एक है स्थूल शरीर, कहते सूक्ष्म शरीर क्या है, बोले मन बुद्धि अहंकार और चित्त आत्मा के ऊपर में ये आवरण कर दिया, आवरण करते ही हम जो भगवान का ही संतान है भगवान के दास है हम उसको भूल गए, उसको भूल गए, भूल कर गए, अभी हम तरह तरह का परिचय दे रहे हैं, अगर किसी को पूछे भैया तुम कौन हो, बोले मेरा नाम ये, बोले तेरे घर कहाँ है, बोले अमुक स्थान पर घर है, बोले तेरे पिता को, बोले मेरा पिताजी का नाम ये है, बोले मैया का नाम ये है, पति का नाम ये है, बेटा का नाम बेटी का नाम ये है, जो असली परिचय हमारी है ना हम पूरा के पूरा भूल गए। इसलिए उदाहरण दिया पिशाची पायले जन्म अतिचर न है माया ग्रस्त जीवर है से भावूत है। अब किसको भूत लगते हुए कभी देखे हो, जो किसको पर भूत सवार होता है ना उसको पूछो तुम कौन है, वो अपना परिचय नहीं देगा, बोले मेरा गांव वहां पर था, वो वहां पर जा रहा था केस खोल करके बाल खोल करके, इसलिए मैंने उसको ऊपर में आ गया, मेरा नाम ये है, मेरे पूरा जो भूत है ना किसको पर सवार हो जाएगा तो वो पूरा भूत का परिचय देगा, वो अपना
वो व्यक्ति भूल जाता है मैं कौन हूँ, पूरा भूत का, कभी देखे कि नहीं, पूरा भूत का परिचय देता है। इसलिए हमारे ऊपर में भी एक भूत का हमारे ऊपर में भी सवार हो गया है, हमारे ऊपर भी भूत का सवार हुआ है। इसलिए हर हमें अगर पूछा जाए तुम कौन हो, वो हम क्या करते हैं, हम असली परिचय नहीं देते हैं, असली परिचय नहीं देकर सारे नकली परिचय देते हैं। हमारे तो असली परिचय एक ही परिचय है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा एक परिचय है, कौन है, हम सब ईश्वर का ही संतान, ईश्वर का अंश है, हम पवित्र है, हम अमल है, हमारी स्वरूप में सुख का आनंद है, धैर्य है। लेकिन सो माया बस भय गोसाई बंधी एक मरकट की नाई, एक उदाहरण देते हैं, हम तो भगवान का संतान है लेकिन ये माया में हम कैसे बसीभूत हो गए हैं, कैसे उधार, एक उदाहरण देते हैं, बंधी है मरकट कीटन्या, जो बंदर को जो पकड़ते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो दूर से बंदर को देख देख करके वो क्या, एक कलसी को मिट्टी के अंदर में गाड़ देते हैं, और कलसी का जो मुंह है ना बहुत छोटा होता है, छोटा होता है, जैसे बंदर का हाथ तो घुस जाएगा और उसको दिखा दिखा कर कोई इसको फल नहीं तो कोई आलू डाल दे, और जा करके पेड़ को आग में छुप जाता है, बंदर देखता है ये क्या कर रहा है, दिखा उसको दिखा दिखा कर आलू इसको अंदर में डाल दिया, और वो जाकर छुप कर बैठ जाता है, जब बैठ जाता है ना बस बंदर छलांग लगा कर आएगा, आ करके उसको अंदर में हाथ डालेगा, हाथ तो अंदर में चला जाएगा लेकिन जो आलू को पकड़ लेगा नहीं तो फल को पकड़ लेगा, हाथ ऐसा हो जाएगा, और उसका मुँह उतना बड़ा होता है जितना बड़ा केवल हाथ उसमें घुस सकता है, और जैसे पकड़ देगा ना फिर जो हाथ निकलेगा और निकलेगा, लेकिन उसको ऐसे अंदर से महसूस होता है जैसे अंदर में हमें किसने पकड़ लिया हाथ को, फिर चे करना शुरू कर देता है, हैं चे करना शुरू कर देता है, उसको ऐसे लगता है ना जैसे अंदर से किसने उसको पकड़ कर हाथ रख लिया, लेकिन कोई किसने नहीं पकड़ा, वो खुद पकड़ा है, हैं खुद पकड़ा, लेकिन लगता है क्या जैसे हमें किसने पकड़ रखा है। ए, जो बहेलिया वो आता है जो बंदर को पकड़ते उस गले में रस्सी बांध करके और डंडा दिखा कर नाच, बंदर नाच नचाता है, डंडा उसको बंदर नाच नचाता है, देखे कि नहीं बंदर नाच, ए उठ जा खड़े हो जा नाच दिखाओ, उसको डंडा मार मार करके। दूसरा उदाहरण दिया कीट, कीट मतलब तोता, जो तोते को पकड़ते हैं वो क्या करते हैं, वो एक नली होता है जैसे बांस का नली है ना, उसको बीच के अंदर में एक लकड़ी रहता है, जैसे जैसे घुमाते हैं ना अब देखना, जैसे पंखा करते हैं ऐसे घुमाते हैं, उसको नली को अंदर में एक लकड़ी रहता है, ऊपर नली सा रहता है, और ऐसे करके उसको ऊपर में एक फल लटका देते हैं, कोई फल लटका देते हैं, इतने में वो तोता उड़ते हुए आएगा और बैठेगा, जब उसको ऐसे बैठता है ना उसके ऊपर में, वो तो नली जैसे उसके अंदर में एक लकड़ी नली सा है, तो उसे पकड़ करके खाने जाएगा, झट वो नली उल्टा जाएगा, जब वो घूम जाएगा नीचे लटक जाएगा, लेकिन जो लटक जाएगा ना उसको ऐसे लगेगा जैसे किसी ने मेरे हाथ को पकड़ कर रखा, लेकिन उसको कोई नहीं पकड़ कर रखा, उसको ऐसे महसूस होता है, वो फिर तो टे करना शुरू कर देता है, और जो ब्याज आता है बहेलिया बस तोते को पकड़ करके ले जाएगा, फिर मार्केट में बेच देगा, फिर उसको पिंजरा को अंदर में उसको बांध कर रख लेगा। देखो यहाँ पर ये उदाहरण दिया है, हम कहते हैं ना भैया हमको माया पकड़ लिया है, हम तो संसार में बंद गए, हम संसार में बंद गए, संसार में बोले भैया तू एक तो मुक्त हो, तेरे को किसने बांधा नहीं, तू खुद पकड़ कर रखे हो, तेरे को कोई नहीं पकड़ा, हाँ हम कहते ना भैया हम माया से हम बंद गए, हैं हमारी ये है वो है वो है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी ग्रहण किया ना, उनका उम्र था 26 साल के, घर में पत्नी छोटे बच्चे थे, उसी समय में ही उन्होंने संसार छोड़ा। रघुनाथ दास गोस्वामी जिनकी पत्नी कितना कहते पत्नी ऐश्वर्य जैसे पत्नी उनकी अफसर जैसे हैं अफसर जैसे उनकी पत्नी घर में इंद्र जैसे बराबर ऐश्वर्य। सनातन गोस्वामी देखो कथा जिनकी सुन रहे हैं जिनकी इतनी अथाह संपत्ति जेल में बंद कर दिया, जेल से छूट करके भगवान के पास में आने के लिए 7000 स्वर्ण मुद्रा उन्होंने जेल की पर को दिया, छूट करके आए
और ऐसे भगवान की भजन भक्ति की, हम तो भगवान को दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी दर्शन करने आते थे। जब सनातन गोस्वामी गिरिराज की परिक्रमा, रोज इनका नित्य नियम था गिरिराज परिक्रमा करना है। एक दिन परिक्रमा करते 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 जब वृद्ध हो गए, एकदम धूप थी, कड़ी कड़ी धूप थी है, एक पेड़ को नीचे उन्होंने लेट गए, क्योंकि इतने कड़ी धूप थी, रोज गिरिराज की परिक्रमा करना। इतने में कृष्ण बलराम खुद आए और आ करके भगवान कृष्ण उनके सर को अपना जंघे ऊपर ले लिया और बलदेव प्रभु उनको अपना उत्तरी से छाया कर रहे और हवा कर रहे थे। जब उनकी उनके होश आए, बोले बाबा इतने कष्ट क्यों करते हो, जिंदगी भर तुमने गिरिराज की परिक्रमा की, अभी तो भजन करो बैठ करके। बोले नहीं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं परिक्रमा नहीं छोड़ सकता, रोज मैं गिरिराज की परिक्रमा करूंगा। क्यों? गिरिराज साहब इच्छा को गिरिराज जी पूरी करने वाले और भगवत प्रेम देने वाले श्री गिरिराज महाराज। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। जोर से बोलो, बोले गिरिराज महाराज की जय। इसलिए ये गिरिराज की कृपा से भगवान की भक्ति, गिरिराज की कृपा से ही प्रेम मिलता है। बोले जब तक रहूंगा तब तक परिक्रमा करूंगा। बोले ठीक है, मैं तेरे को एक ही चीज देता हूँ। तो उन्होंने एक शिला के ऊपर में कृष्णा अपना चरण का छाप दे दिया, गैया खूर के छाप दे दिया, उनकी लकुटी और बंसुरी। बोले ये शिला को अगर तुम चार बार परिक्रमा करोगे तो गिरिराज परिक्रमा करने का तुम्हें फल की प्राप्ति होगी है। इसलिए ठाकुर जी इनको दर्शन करने आते हैं है? जब अंदर में भगवत भक्ति जागृत हो जाए ना, फिर भगवान तुम्हारे पास में आएंगे। तुमको भगवान के पास में जाने का जरूरत नहीं ठाकुर। जैसे फूल खिलने पर फूल भौरा के पास में जाता ना, भौरा फूल के पास में आता है, भौरा फूल के पास में आता है। जब हृदय रूपी कली खिल जाएगी, हमारी प्रेम प्रकट हो जाएगा, कृष्ण रूपी भौरा खुद आकर के हमारी प्रेम रस को, ठाकुर जी भक्तों का प्रेम रस को भगवान आस्वादन करेंगे है, भगवान आस्वादन करेंगे। इसलिए सनातन गोस्वामी पहले सुना है ना, ठाकुर जी है जब उनको लेकर के आ गए, कहाँ से लेकर के आए, ठाकुर जी बोले ना जब चौबेली घर में थी, सनातन गोस्वामी रोज जाते थे और उन्होंने क्या देखा, ठाकुर जी को कैसे भोग लगा रहा है, एक हाथ में दांतन कर रहे हैं, एक हाथ से खिचड़ी चला रही है। बोले तू क्या कर रहे हो है? भगवान की भोग लगा रहे, तू स्नान पान करके पवित्र होकर के भगवान को भोग लगाओ, तुम एक हाथ से दांतन कर रहे हो, उसमें थूक गिर रहा है और तुम उसी हाथ से खिचड़ी चला रहे हो, ऐसे नहीं करते हैं। नहा धोकर के वस्त्र पहन करके तिलक लगा करके पवित्र होकर बनाओ, ठाकुर को भोग लगता है। बोले बाबा हम तो मूर्ख आदमी कुछ जानते नहीं। बोले कल से करूँगा। लेकिन जब सनातन गोस्वामी दूसरे दिन ही आए, देखा ठाकुर जी बैठ बैठ कर रो रहे, बोले मैया भूख लग रही है, मैया दूध पिला दे, मैया खिचड़ी खिला दे है। इतने बोले भैया भगवान का आज पवित्र बन करके भगवान को भोग लगाएंगे, लेकिन भगवान कहते नहीं, पहले जैसे खिलाती थी ऐसे झूठा है हाथों से और हम मैला वस्त्र से है, सोया हुआ वस्त्र में अपवित्र वस्त्र में ठाकुर उसमें कुछ थे। बोले भैया तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, तुम जैसे करते थे वैसे ही सेवा करो है। इसलिए बोले मेरे को तू वृंदावन ले चलो। बोले तेरे पिताजी का नल लाग गई थी, तभी तेरा पेट नहीं भरता था, घर घर में चोरी कर खाता था हाँ, मैं कहाँ से लाऊंगा भैया, मैं नहीं ला दे सकता तुमको, बिना नमक के टिकिया बनाकर मैं खाता हूँ, मैं जो खाता हूँ वही खाना पड़ेगा, इसलिए यहीं पर रहो, चकाचक भोजन मिल रहा है, खिचड़ी रोटी मक्खन राबड़ी मलाई खीर खाओ चकाचक यहीं पर। बोले नहीं मेरे को तो साथ में ले चल, तेरे साथ में चलूंगा, क्योंकि जो भगवान है ना वो प्रेम की भूखे है, भगवान द्रव्य की भूखे नहीं है। इसलिए कहते ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागे साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे जो श्रेष्ठ है प्रेम, भगवान और कोई चीज को नहीं देखते हैं, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है ना वो प्रेम को ही देखते हैं,
और किसी चीज को ठाकुर जी नहीं देखते, प्रेम के भूखे प्रभु, प्रेम ही जगत में सार है, प्रेम से भगवान को भजे तो प्रेम से बड़ा है। इसलिए भगवान प्रेम की भूखे ठाकुर जी बोले तू जो दोगे मैं वही खा लूंगा, लेकिन मेरे को तो तू साथ में ले चलो, बोले उठाकर नहीं ले सकता हूँ, चल चल कर जाना पड़ेगा, उठाकर नहीं ले सकता हूँ, बोले कोई बात नहीं तेरे पीछे पीछे चलते चलते चले आऊंगा। हैं जैसे साखी गोपाल जी क्या किए, उनने चलते 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 कहाँ तक चले गए, वृंदावन से चले गए, जगन्नाथपुरी तक चले गए, चलते चलते ठाकुर जी बोले चल चल कर आना पड़ेगा, उठाकर नहीं ले सकता हूँ तू इतने बड़े हो। हैं बोले कोई बाबा कोई बात नहीं मैं चल करके आ जाऊंगा। ठाकुर जी चलते चलते कहाँ से मथुरा से वृंदावन आ गए, और मंदिर फंदिर तो कुछ है नहीं, पत्ते का एक कुटिया बना दिया, पीछे एक पत्थर रख दिया और ठाकुर को खड़े कर दिया। खड़े करके क्या खाते हैं, बिना नमक के टिकिया, देखो टिकिया जैसे दाल बाटी चूरमा होता ना बाटी जैसे, उसको बिना नमक के आग में थोड़ी सी अंगा दिया, बोलते अंगा हाँ, उसको आग में थोड़ी सीख दिया, ठाकुर को दिया। एक दो तीन दिन जब दिया है ना, कहते हैं सनातन गला को नीचे उतरता नहीं है तो सब्जी देता है नहीं, अच्छा नमक तो दे दिया कर, कम से कम नमक तो दे दिया कर, तो सूखा कुछ है ही नहीं दांत में, हैं दांत में काटा नहीं जाता, गला को नीचे उतरता नहीं, हमारे भी ऐसे होते ना बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो गला से उतरती नहीं, तो बढ़िया चीज हो फिर तो आनंद आता है भोजन में, हैं बोले गला को नीचे नहीं उतरता है, अरे सब्जी देता नहीं कम से कम थोड़ा नमक तो दे दे। लेकिन सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले आज बोले नमक दे, दो दिन बाद में बोले भैया नमक से काम नहीं चलेगा सब्जी ले आ, कुछ दिन बाद में एक गिलास तो दूध दे, कुछ दिन बाद में बोले इतना से नहीं था तो मक्खन लगा करके दे, कुछ दिन बाद में मक्खन से नहीं थोड़ा राबड़ी ले आ, अरे बोलोगे हैं बोलोगे थोड़ा हैं थोड़ा पनीर ले आ, भैया कहाँ से लाऊंगा हम तो भिखारी, मैं तो किसी तरह से कुछ घर से भिक्षा मांग करके जो मिलता है बस उसी से खा करके दिन रात में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं तो किसी तरह से लेकर के प्रभु का भजन करता हूँ, कहाँ से इतना लाऊंगा भैया, मेरे से नहीं हो जाएगा, खाना तो अपने आप जुगाड़ कर ले, हमसे नहीं होगा। देखो उन्होंने टिकिया देते थे, टिकिया देते थे तब भी ठाकुर कहते हैं क्या अंगा अंगा हैं बिना नमक के, लेकिन ठाकुर उससे बोलते हैं हम थोड़ा नमक दो, लेकिन हम तो बढ़िया बढ़िया ठाकुर को लड्डू हैं और बथुआ की सब्जी हैं और क्या क्या शाही पनीर मटर पनीर ठाकुर को भोग लगाते, ठाकुर हम बोलते हैं बात करते थे नहीं बोले ठाकुर मेरे को थोड़ा नमक डाल दो नहीं तो मिस्त्री, ठाकुर बोले हमें नहीं बोलते, बोले क्यों नहीं बोलते हैं, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मे भक्त्या प्रजचति तद अहम भक्त उपहृतस्नामी प्रजतात्मन, भगवान को जो हम प्रेम से खिलाएंगे तो भाग्य ग्रहण करते हैं। भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, चार चीज का नाम लिया है, पत्ता फल फूल और पानी हैं, बोले ये चार चीज अगर मेरे कोई प्रेम से कोई वस्तु प्रदान करे ना तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। भगवान प्रेम की भूखे ठाकुर जी, प्रेम हर चीज में प्रेम रहनी चाहिए, संसार में देखो हैं बढ़िया से बढ़िया चीज बनाया अगर किसको अगर प्रेम से नहीं खिलाओ खाएगा थोड़ी, उतना कोई बढ़िया नहीं, साधारण चीज अगर प्रेम से प्रीति से दो तो संसार में भी खा लेते उसको ग्रहण कर लेते, इसलिए भगवान की प्रेम के भूखे। लेकिन जो ने चार चीज नाम लिया है ना, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं भगवान जो बिना पैसा में जो मिलता है, हैं पत्ता हैं भगवान को पत्ते से खुश हो जाता है, किसने पत्ता दिया, बोले पत्ता दिया श्री हैं कहते श्री साग भाजी विदुर घर में, भगवान साग भाजी विदुर घर में खाए हैं, साग भाजी ठाकुर जी खाए। पत्रम फूलम फूल किसने दिया, बोले हाथी ने, जिस समय मगरमच्छ पकड़ लिया उसी समय में हाथी ने केवल एक फूल उठा करके ठाकुर जी को अर्पण कर दिया, करते ही नारा केवल दो अक्षर बोला, इतने तेजी से ठाकुर जी सुदर्शन चक्र भेजे मगरमच्छ गला काट दिए,
ना रा बोलते है, भगवान इसको ग्रहण कर लिया। पत्रम पुष्पम फलम, बोले फल किसने दिया, बोले सबरी ने दिया। कहते ना झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए उन्होंने झूठे फल जब खिलाए, कहते सबरी हैं तेरी झूठे फल में जो आनंद आया ना, वैकुंठ में मेरी लक्ष्मी भी इतना, जो छप्पन भोग छत्रीस व्यंजन देते उससे भी इतना स्वाद नहीं आता तेरे झूठे बेर में जो हमें आनंद मिला है, है? इसलिए कहते पानी, पानी किसने दिया, हमारे संप्रदाय में अद्वैत आचार्य हुए हैं, जब उनने कलयुग का जीव का दुर्दशा को देखा, कैसे कलयुग में जीव कैसे गीता रामायण भागवत तो पढ़ते हैं केवल झगड़ा करते आपस आपस में, कोई हरि का नाम नहीं, और मैया देवी को सामने हैं बकरियों को बलि प्रदान करते हैं, और शराब पी पा करके हैं काली रास करते हैं, रास किसकी, काली की रास नवद्वीप में करते हैं। इसलिए कहते सबके सब शराब फराब मांस मछली खा रहे, प्रभु का भजन भजन से कोई मतलब नहीं, बोले भगवान को मैं कैसे बुलाऊं, ठाकुर जी को मैं कैसे बुलाऊं, जब तक ठाकुर नहीं आएंगे ना तब तक इनका कोई कल्याण नहीं कर सकता है। उनने सारे शास्त्र को ढूंढा भगवान को बुलाना तो कैसे जल्दी जल्दी ठाकुर आ सकते हैं, लेकिन उनने पुराण में श्लोक देखा, अगर कोई हृदय से एक गंडूस है गंगा पानी ले उसमें के तुलसी पत्ता डाल दे, अगर भगवान को कोई हृदय से अगर कोई अर्पण कर दे तो भगवान उसको ऋणी से मुक्त होने के लिए सर खुजलाना शुरू कर दे। हम सर को खुजलाते बहुत ज्यादा, जब ऋणी हो जाए ना बहुत ज्यादा ऋणी हो जाए, कैसे उसका ऋणी चुकाऊं, ऋणी कैसे चुकाऊं, इतने ऋणी हैं। इसलिए भगवान केवल पानी और तुलसी पत्ता से ठाकुर जी इतने खुश हो जाते, उसको ऋणी से ऋणी होने के लिए ठाकुर जी सर खुजलाना शुरू कर देते। उन्होंने गंगा पानी तुलसी पत्ता देकर ठाकुर का आह्वान किया तो भगवान कहते हैं सुतिया अच्छे नुखीर समुद्र सागरी निद्रा भंग हैल पर नारा हंकार है। इसलिए मैं तो कहाँ खीर समुद्र में सो रहा था, ये अद्वैत आचार्य ऐसे उन्होंने पानी और तुलसी दल से ऐसे बुलाया, मेरे आसन को उसने हिला दिया, उसके वजह से मेरे को आना पड़ा है, हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं अरे थोड़ा नमक दे दिया करो, बगैर नमक से गले से नहीं उतरता है, हैं। बोले मेरे से नहीं होगा, अपना व्यवस्था कर दे, अपना तू व्यवस्था खुद कर ले। भगवान बोले ठीक है व्यवस्था करता हूँ। वहां पर यमुना नदी बह रही थी सामने, है वहीं पर ठाकुर जी थे, एक बहुत बड़ा शेर था, है वो नाव में ना बहुत सारी चीज को भर करके एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा रहा था उसको बिजनेस के लिए। बात सुख से नाव तो ठीक मंदिर को सामने रेती को चरा में नाव लग गया और हटे ही नहीं, किसी तरह से हटे नहीं नाव। जब किसी तरह से नहीं हटा उसने देखा वहां पर एक बालक है, वो बालक ने है बालक को देखा, बालक ने कहा देख बाबा, उसको कह रहे हैं वो जो बिजनेस मैन था है? उसको बोले देखो यहाँ एक बाबा भजन कर रहा है, तू जा बाबा को कृपा से कहना जो ना करे लकड़ी सो कर पकड़ी, जो भाग्य में नहीं जो साधु का कृपा हो जाएगा तो हो जाते। बोले यहाँ पर एक बाबा बड़े बहुत बड़े संत भजन कर रहे, जाओ उसको आशीर्वाद लेकर के आओ। तो देखो संतों को दर्शन के लिए जा रहे, खाली हाथ में नहीं जानी चाहिए, कुछ ना कुछ ले करके जाओ। अब मैंने से तुम्हारी नाव में नमक है ना, बोले हाँ, तो थोड़ा नमक ले जा, थोड़ा नमक ले जा। ठाकुर जी सभी व्यवस्था करे, क्यों बगैर नमक के ठाकुर भोग लगाते हैं ना, बाजर नमक कहाँ से लाए है। अभी तो उस समय दुकान पुकान कुछ नहीं होता, वृंदावन जंगल जंगल कुछ है नहीं, वहां पर नमक लेकर के जा। अभी वो आया है, उसने आया, जब आया देखा सचमुच उससे सनातन गोस्वामी बैठ करके बस एक माला लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम ले रहा था है, आकर उनके चरण में गिर पड़ा, बोले बाबा कृपा कर दो। बोले क्या हो गया, बोले मेरे नाव लग गया रेती में, रेती की चरा में नाव लग गया, नाव फिसक नहीं रहे। बोले तुमको कैसे पता चला मैं यहाँ पर भजन कर रहा हूँ। बोले वहां पर एक काला रंग का छोकरा था है, काला रंग का कोई बालक
वहां बोले कि बाबा भजन कर रहे हैं और जाओ उनको पास में, उनकी कृपा होगा तो नाव चलेगा, लेकिन खाली हाथ में मत जाओ, नमक लेकर जाओ। बोले ओ समझ गया, सब इसका नाटक है, बिना बिना नमक का उसको मैं टिकिया खिलाता हूँ और उसको गला से नीचे नहीं उतरता है। मैंने कहा खुद व्यवस्था कर दो, बस व्यवस्था करा दिया। और जब नाव लग गया ना, बोले मैंने थोड़ी लगाया, जाओ वो मंदिर में जाओ, मदन मोहन ठाकुर थे, ठाकुर मदन मोहन, उसने ही तेरे नाव को लगा दिया, क्योंकि मैंने बिना नमक का टिकिया खिलाता हूँ, गला से उतरता नहीं, मेरे को बोलता है नमक ले आ, फिर ले आ सब्जी दो, राबड़ी दो, दूध दो, कहाँ से लाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा तू खुद व्यवस्था कर दिया, और ये यही ना सारे नाटक यही करने वाले, तेरे नाव को उसने लगा दी। लेकिन भगवान सभी का वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं, कहते भक्तर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तर द्रव्य प्रभु उलट न चाहे। मतलब है अगर भक्त अगर भक्ति पूर्वक कोई वस्तु प्रदान करता है ठाकुर तो उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन अभक्त होने पर है ना, जितने चीज देने पर भी ठाकुर जी इसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए कहते दुर्ज धन की मैं बात आगे, साग भी दूर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए भगवान दुर्योधन ने भगवान को खुश करने के लिए छापान भोग छत्र से व्यंजन बना कर रखे थे। बोला है ले ग्वालिया गांव में रहता है, इसको क्या बढ़िया खाना जानता है, बढ़िया बढ़िया खिला करके मैं इसको अपना वशीभूत कर लूंगा। लेकिन भगवान जब आए शांति दूत बन करके है, बोले पांडवों को ज्यादा कोई चीज की जरूरत नहीं, केवल 5 गांव दे दो और सारा राज्य को तू भोग कर। दुर्योधन बगैर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं, तो 5 गांव की बात कर रहे हो है? 5 गांव की बात कर रहे हो। इसलिए फिर दुर्योधन ने कहा, सोच रहा था कृष्ण को खिला पिला कर खुश कर दूंगा, बोले देखो ये बात बाद में करेंगे, चलो घर में भोजन कर लो, पहले भोजन कर लो। भगवान ने कहा देखो एक व्यक्ति 3 स्थान पर भोजन करता है। पहला नंबर जब किसको कोई भूखा हो है वो भोजन करता है, लेकिन भगवान तो आत्माराम और आप्त काम है, हैं वो तो स्वयं परिपूर्ण है, कहते वो पूर्णमिदम हाँ, कहते स्वयं भगवान पूर्ण है, उनको तो किसी चीज की कमी है ही नहीं। बोले मेरे को तो भूख नहीं, भोजन कैसे करूँगा। हाँ दूसरे जगह पर भोजन कब करते हैं, अब जिस काम के लिए गए अगर वो काम बन जाता है ना, हम क्या कहते भैया जो काम के लिए आए थे वो काम पूरी हो गई, चलो भोजन कर लेते हैं। लेकिन मैं जो काम के लिए आया था उनके लिए 5 गांव देने के लिए, तो सुई की नोक की बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा कब व्यक्ति भोजन करता है, अगर कोई प्रेम से अगर कोई भक्त अगर भगवान को भक्ति पूर्वक दे तो तभी भगवान इसको स्वीकार करते हैं। है कोई भक्त अगर दे तो, बोले क्या मैं भक्त नहीं, बोले नहीं, कहते मेरे भक्तों का जो भक्त है ना है, जो भक्त जो मित्र कोई अगर दे, अब कहीं गए अगर कोई बढ़िया अच्छे कोई मित्र हो है, मित्र अगर प्रेम से देते हैं ना, भैया मित्र दे रहा है उसको मन को रखा करने के लिए खा लो, क्यों बड़े प्यार दोस्त है, लेकिन तू तो मेरे मित्र नहीं। बोले मैं मित्र नहीं, बोले नहीं, बोले कैसे, बोले पांडव लोग मेरे भक्त है, मेरे भक्तों का जो मित्र है ना वो मेरे मित्र है, अरे मेरे भक्तों का जो शत्रु है मेरे शत्रु है, इसलिए तुम मेरे शत्रु हो, तुम मेरे मित्र नहीं। इसलिए ठाकुर जी ग्रहण नहीं किया, बस उन्होंने गए विदुर घर में और उन्होंने केले का छिलका को ठाकुर जी खाए, केले का छिलका ठाकुर जी खाए। इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी स्वयं क्या कर रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी सबसे ग्रहण नहीं करते हैं, है सबसे ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते अगर कोई, क्योंकि वो तो लक्ष्मीपति है ना, वो तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक, उनको क्या भूख लगेगा, उनको क्या खिलाएंगे, हाँ उनको थोड़ी भूख है, हाँ भूख लगता है भक्तों का प्रेम को देख करके भूख लग जाता है, हाँ भक्तों का भाव को देख करके, जैसे मैया यशोदा को पास में कृष्णा बारम्बार मचलते हैं, भैया मेरे को मक्खन दे दे, मिश्री दे दे, मेरे को रोटी दे दे, हाँ मचलते, क्यों माँ की भाव को देख करके, भगवान भाव ग्राही जनार्दन। इसलिए यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, सबसे ग्रहण नहीं करते, वो कोई भक्त था है, उसको कोई भक्त था, इसलिए ठाकुर उसे सेवा लेने के लिए ठाकुर जी लगा दिया। ठाकुर जी जब उसको पता चला, क्या पता चला, ओ ठाकुर जी को खिलाते नहीं ठीक से, इसलिए ठाकुर जी मेरे नाव लगा दिया,
बोले बाबा कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, मैं ठाकुर जी के लिए सुंदर में मंदिर बना दूंगा, उनके लिए गौशाला खोल दूंगा बढ़िया, रोज रोज ठाकुर जी खूब दूध दही मक्खन, ठाकुर जी खूब भोजन करें है, इसलिए कोई चिंता मत करो। एक बार वो गए, जब गए ना इतना लाभ हुआ, इतना ठाकुर को बोले ना ठाकुर की सेवा करेंगी, बोले ठाकुर की सेवा करेंगी, इतने लाभ हुआ ना, वो जो सामान लेकर गए थे कितने डबल से बिक गया, वे बहुत पैसा मिला, बहुत पैसा मिला। तो ठाकुर जी ने किया कि उनके लिए किया था, ठाकुर के लिए सुंदर उनने आलिशान मंदिर बनाया। अभी जो जाएंगे वृंदावन में जाओगे, वहाँ पर काली अध्या के पास में जो ऊंचा मंदिर देखोगे, वो श्री मदन मोहन का मंदिर, सनातन गोस्वामी ने उसी मंदिर को, सनातन गोस्वामी ने वहीं पर बनाया। उसको पास में भी महाप्रभु के लिए भी एक मंदिर बनाया जो पास में, और जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे उन्होंने यहीं पर रहेंगे। लेकिन उसको बाद में महाप्रभु फिर वृंदावन गए नहीं, लेकिन उनके लिए भी उन्होंने एक मंदिर बनाया था। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे भगवान को साथ में सुंदर सुंदर उन्होंने ठाकुर को साथ में उन्होंने लीला की है। इसलिए उन्होंने जो सनातन गोस्वामी प्रश्न, पहला प्रश्न था मैं कौन हूँ है, इसलिए उसे उत्तर किया दिया, शिव का जो स्वरूप है हम सब भगवान की संतान है, हैं? बोले सुख की ढेर है, लेकिन अभी हम बिलबिला रहे, हम संसार में दुख कष्ट भोग कर रहे। बोले कारण क्या है, जितने सारे दुख कष्ट का एक ही कारण है, कृष्णा बुली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार अधिक दुख। जितने दुख का जो जड़ है, हमने भगवान को भूल गए, ठाकुर का भजन को छोड़ दिया, इसलिए जितने सारे दुख कष्ट है। अगर फिर भगवान के चरण में शरणागत हो जाएगा ना, फिर तो हो गया, हमारे सारे काम बन गया, क्योंकि हम अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के संतान, भगवान के हम संतान हैं। एक छोटी स्टोरी सुन ली, मतलब एक समय में कोई एक राजा था, उसका जो बेटा था तो बेटा ने कोई गलती किया, जब गलती किया पिता ने डांट लगा दी, जब डांट लगा दी बच्चे को मैंने अभिमान आया, बोले पिताजी मेरे को डांट लगाए, मैं घर में नहीं रहूँगा, उसने घर छोड़ करके चला गया। एक ही बेटा था, जब चला गया, अभी राजा का बेटा है, राज महल में रहते हुए छप्पन भोग 36 व्यंजन बढ़िया बढ़िया चकाचक भोजन करता था, बढ़िया घर में रहता था, तो पिताजी को घर छोड़ चला गया, कौन उसको जानता, कौन उसको पूछेगा। वो जा कर के ना अपना पेट पालने के लिए किसी चाय वाले का दुकान में नौकरी कर लिया, और जितना झूठा बर्तन को धोता है, झूठा जगह को पोछा लगाते हैं, और जो मिलता है वहीं पर खा कर रहता है। अभी पिताजी बाद में दुखी हो गए, हैं पिताजी दुखी हो गए, मैंने बेटे को थोड़ा शासन कर दिया, गलती किया तो, और बच्चा तो दुखी होकर चला गया, हैं। पिता बड़ा दुखी, भविष्य में राज सिंहासन कौन संभालेगा, पिताजी बड़े दुखी और बच्चा भी बड़ा दुखी, दोनों ही दुखी है, हैं? क्योंकि बच्चे सुखी रहे ना, पिता माता तो सुखी रहते हैं, और बच्चे अगर चला गया दुखी हो तो पिता माता भी दुखी है। उसने उसका जो मंत्री ने देखा, राजा बड़ा बेचैन से रहते हैं, मन में शांति सुख नहीं। एक दिन उन्होंने पूछा, महाराज लगता है आप दुखी हो अंदर से, आप सुखी नहीं लग रहे हो, हैं? आपके अंदर में आनंद नहीं है, क्या कारण है? तो उन्होंने सारे बात को बताया, ऐसे ही मेरा जो बेटा था थोड़ी कुछ गलती किया, तो मैंने उसको अच्छे के लिए शासन किया, लेकिन वो अभिमान करके उसने किया कि घर छोड़ कर चला गया, मेरे को पता नहीं अभी वो कहाँ क्या कर रहा है, हैं? मेरे को पता ही नहीं अब किस स्थिति में है, और भविष्य समय ये राज सिंहासन को कौन संभालेगा, इसलिए मैं तो बड़ा दुखी हूँ बेटे के लिए। तो मंत्री ने बोला, ठीक है मैं देखता हूँ तुम्हारे बेटा कहाँ पर है। तो वो मंत्री ने किया कि वो उसको बेटा को ढूंढा, ढूंढते देखा ये चाय की दुकान में काम कर रहा है, सबका झूठा बर्तन धो रहा है, झूठा प्लेट को साफ करता है, और जगह को साफ करके वहीं पर किसी तरह से जीविका निर्वाह कर रहा है। तो इसने जा करके उसने किया, क्या पहले ये बात बताया नहीं है, तेरे पिताजी ने मेरे को भेजा है। उसने जा करके उसी चाय की दुकान में भी काम करना शुरू कर दिया करके, और उसका बड़ा घनिष्ठ मित्र बन गया। मित्र बन करके एक दिन उसको ये मंत्री पूछता है,
बोले तेरे को चेहरा देखने से तो लगता ही नहीं तू चाय दुकान में काम करने तू तो बड़े लंबे चौड़े देखने में इतने सुंदर हो, क्या बात, तू कहाँ के रहने वाले हो, है तुम कहाँ के रहने वाले हो? जो इतना बात पूछ लिया ना वो तो रोना शुरू कर दिया, है रोना शुरू कर दिया। तो उनने सारी बात बताई, कहते अमुक देश का राजा का मैं बेटा हूँ, एक दिन मैंने कोई गलती की तो पिताजी ने मेरे को डांट लगा दिए और मैंने अभिमान करके घर छोड़ दिया, छोड़ करके अब कैसे पेट पास पालू कैसे, इसलिए ये चाय की दुकान में मैं काम करता हूँ। जब ये बात बताए तब इतने में अरे तू घर में क्यों नहीं चले जाते हो? बोले मैं सोचता हूँ घर में जाऊँगा पिता रखेगा कि नहीं, मेरे को डांट दिया था ना, अरे पिता मेरे को रखेंगे कि नहीं, क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए मैं शर्म से हाँ लज्जित होकर के नहीं जा रहा। तो उन्होंने बोले तू क्या जाना चाहते हो घर में? बोले मैं तो घर में जाना चाहता हूँ लेकिन पिता क्या मेरे को रखेंगे फिर? तो फिर मंत्री फिर बात बताए, बोले देख बेटा तू जितने दुखी है ना तेरे से ज्यादा दुखी तेरे पिता है, हैं? ज्यादा दुखी तेरे पिता है, तू उनका एक ही बेटे हो और भविष्य में राज सिंहासन तू संभालने वाले है, तू पिताजी का शासन सुनकर चले आए, पिताजी बड़े दुखी, उसी पिताजी का मैंने मंत्री हूँ, हाँ मैं मंत्री हूँ और तेरे को बुलाने के लिए हैं मेरे को उन्होंने तेरे को बुलाने के लिए भेजा, हाँ बोले पिताजी अभी रखेंगे, बोले तेरे को रखने के लिए मेरे को भेजा। जब इतना सुनने लगा ना रोने लग गया, हाँ एकदम रोना शुरू कर दिया, जो रोना शुरू कर दिया बोले चलो तेरे पिताजी को पास में ले चलता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया उसको ला करके उसकी पिताजी को पास में छोड़ दिया, तो पास बेटा सुख और पिता भी सुख है। कहते उसी तरह हम भी किसकी बच्चे हैं? ठाकुर के बच्चे हैं, भगवान का औलाद है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सबके सब भगवान के नित्य ही दास है। लेकिन भगवान हमें शासन किया, थोड़ी सी क्या किया भगवान, हमने पूछा बताओ तुम मेरे सेवा करोगे ना माया की सेवा करोगे? हमने बोला तेरे सेवा नहीं हम माया की सेवा करेंगे। बोले मैंने तेरे को जन्म दिया बड़ा किया इतना सब खींचा तू मेरी सेवा नहीं करेगा तू माया की सेवा कर? बोले जा माया की सेवा कर ले देख ले क्या आनंद है देख ले सब माया में बस। और माया में आकर के कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिना रह तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम का दास है राम की दास। इसलिए कहते भगवान की और संसार में आकर तो वो कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने किया कि जो संत कौन है वो मंत्री है, राजा जी से मंत्री को भेजा था जाओ मेरे बच्चे को लेकर के आ जाओ, वो साधु जो सदगुरु जो साधु वो कौन है वो मंत्री है। वो भगवान उनको भेजे भैया जाओ उनको पास में जाकर समझाओ तेरे पिताजी बड़े दुखी। इसलिए हमारे जैव धर्म में भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं जब कोई जीव भगवान से भूल करके हैं जब माया में जाता है ना ठाकुर जी उसको पीछे रो रो कर घूमते हैं, ठाकुर जी उसको पीछे रो रो कर घूमते, बोले बेटा एक बार तो लौट करके मेरे को देख ले पीछा करके मेरे को तू देख ले बेटा, रो रो करके पीछे पीछे ठाकुर जी घूम रहे हैं, केवल बस इतना बोलने का जरूरत एक्सक्यूज मी हैं हमें एक्सक्यूज मी हमें क्या कर हमारे अपराध को माफ कर दो बात भगवान हमें गोद में भर लेंगे ठाकुर जी हमें गोद में भर लेंगे ठाकुर जी। इसलिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं सारे दुख का जो जड़ है ना कृष्णा भूली, हम भगवान को भूल गए हैं, अनादि बहिर्मुख अनादि काल से भगवान से बिछुड़ने का नाते माया ने किया कि बोले भगवान की सेवा नहीं करोगे, बोले जा संसार में देख ले, उन्होंने दुर्गा ने ये दुर्ग बनाया, दुर्गा ने ये दुर्ग बनाया, संसार कारागार है, यहाँ पर तरह तरह का दुख कष्ट, जैसे किसी को जेल में दे देना क्या करेगा, खाना ठीक से नहीं देगा काम कराएगा मारेगा, इसी तरह माया हमें क्या कर रही है संसार में भी हमें मार रही है दुख कष्ट दे रही है। लेकिन दुख कष्ट जब दे रही है दुख कष्ट क्यों दे रही है, दे रही है अच्छे के लिए बुरा के लिए नहीं है, बुरा के लिए नहीं, जो दुख कष्ट अच्छे के लिए, अगर दुख कष्ट को भोग करके अगर हमें पता चले ये संसार सुख का स्थान नहीं दुख का स्थान है फिर क्या होगा, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। इसलिए इसे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते
किसी सौभाग्यवान को जीवन में सद्गुरु साधु साधु मिलते हैं, है भगवान की आशीर्वाद से। जैसे हम लोग भक्ति में आए, हम कौन लाए? ठाकुर जी लाए, हमें ठाकुर जी लाए, भगवान ने लाए हैं। इसलिए क्यों, हमारी अनंत काल का सुकृति इकट्ठा हुआ है, अच्छे सुकृति हमारे अच्छे, हम कोई भगवान के लिए संत के लिए कोई पूर्व जन्म में हमने कोई अच्छा काम किया है, करने का नाते ठाकुर ने देखा, इसकी संसार का बंधन खत्म हो गया। पर ठाकुर ने ही हमें कहाँ पर लाए, ये संतों के पास में ठाकुर जी हमें लाए हैं, भगवान संत लाए हैं। फिर जीव जो पता चलता है भगवान का दास सेवक, फिर क्या करेगा, फिर भगवान की भजन करेगा, भक्ति करेगा, भजित भजित कृष्ण पाद पद्म पाए, भजन करते करते फिर ठाकुर जी हमें ठाकुर का चरण हमें प्राप्त हो जाएगा, बस हमारी कल्याण हमारी उद्धार हो गया है, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, हो गए बच्चे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 जी। जो नया वर्ष मनाते हैं लोग आज के दिन, और हमारा नया वर्ष कब है ये थोड़ा सा फेसबुक पे भी सुन लो, ये करना चाहिए नहीं, मतलब हमारा जो नया वर्ष है ना हमारी ये अच्छा, इसलिए हमारी जो नया वर्ष है, हमारी जो हिंदुओं का जो नया वर्ष है, हमारी भारतीय